Dear students, assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahir with the 14th lecture of the course Introduction to Exceptionalities. In this lecture, we will discuss about the educational considerations, services transition into adulthood, and technology that can be used for persons with emotional or behavioral disorders in our last two lectures, we have discussed definition and prevalence of emotional and behavioral disorders. we also go through uh, the uh, causes and classification of individuals and children with emotional or behavioral disorders. we have also seen how we can assess them in classroom for emotional and behavioral disorders. now, it's very necessary to talk about their educational considerations. What we as educators can do and supposed to do in dealing with children or persons with emotional and behavioral disorders if we are towards teachers to abandon punishment and punitive responses to behavior problems primari primarily because they don't work in the long run then what will we replace them with this is particularly relevant बिकॉज द इन्फ्लुंशल नो चाइल्ड लेफ्ट बिहड एट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस बेन्ड बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिसर्च सपोर्ट प्रोसीजर्स सो हमें इस एक्ट को फॉलो करते हुए ये सोचना चाहिए कि टीचर्स को क्या करने की ज़रूरत है हम सिर्फ उनको सजाएं दे कर या उनके पिस्पॉन्स पे उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स को मजीद इंक्रेज करते हैं टीचर्स को कौन सा एक्ट करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो और वो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहा हो जिसमें हम कहते हैं कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड ठीक तो ये एक्ट भी यही कहता है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च सपोर्टेड प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की तरफ लेकर जाए ठीक है अच्छा जी अब इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उनमें कौन से प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि हम इन बच्चों के लिए इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं इसमें पहली चीज़ आ जाती है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट्स फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट सोशल स्किल्स इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनको पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की जरूरत है फंक्शनल बिहेवियर हम अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम इसमें भी इसको थोड़ा सा अटैच करेंगे इसके बाद सोशल स्किल्स की इंस्ट्रक्शन इनके लिए ज्यादा जरूरी है और सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिस सोव्यू ऑफ सच इनोवेटिव प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर टीचर्स These reviewers point out that it is essential not only that teachers understand these techniques but also that they have ample opportunity to practice them. It is one thing to read a piece of music and quite another to play that piece with grace and style. Such performance requires quality monitoring of the necessary practice. So, teachers go. ये रोल टेकअप करने की ज़रूरत है कि वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए अपरचुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आए सो so फर्स्ट जो इसमें हम एजुकेशनल कंसिड्रेशन में अपनी पहली जो टेक्निक देख रहे हैं वो है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट द हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट इज़ क्वाइट शॉर्ट बट इट्स इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग रैपिडली अक्रॉस द कंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट इज द मिसबिहेवियर शुड नोट नेसेसरली बी फॉलोड बाई पनिशमेंट ऑफ वन सॉट और अनादर बट विद अटेम्प्टू अंडरस्टैंड द काजेज और एंटीसीडेंट्स ऑफ द मिसबिहेवियर मिसबिहेवियर आइडेंटिफाई करना है तो मसला ये है कि आपने मिसबिहेवियर दो तो हो गया ठीक उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हर मिसबिहेवियर के बाद बच्चे को पनिशमेंट ही दी जाए हर मिसबिहेवियर के बाद हम उसके कॉजेज़ फाइंड आउट करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि क्या कॉज था क्या वजह थी किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि बच्चे ने मिसबिहेव किया देन द टीचर शुड इंट्रोड्यूस अटेम्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वामेंट डेट वुड मेक द मिसबिहेवियर अननेसेसरी जब टीचर कॉजेज पता लगा लेता है कि मिसबिहेवियर हुआ क्यों तो टीचर उन तमाम हैपनिंग्स को क्लासरूम में कंट्रोल करने की कोशिश करता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि वो मिसबिहेवियर दोबारा से ना हो, ठीक है, इफ वी कैन क्रिएट एन एजुकेशनल क्लाइमेट इन विच पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट आर बींग मेट वी विल जनरेट लेस ऑफ द एंगर एंड क्रूलिटी डेट सो ऑफन कंपनी सोशल ट्रांसक्रेशन सो नन ऑफ दिस प्रोसीजर इज इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट द टीचर एंड देश ऑफ इंक्लुन बॉक्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में फेस एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विदआउट सच ट्रेनिंग सो ये जो टेक्निक्स हैं पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की जो टेक्निक है इसमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें इस चीज़ की जरूरत है कि हमने उनको ट्रेनिंग जरूर देनी है टीचर्स को जिन्होंने इन बच्चों के साथ डील करना है तो ट्रेनिंग का रोल जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता जब टीचर्स ट्रेन होंगे उन्हें पता होगा कि उन्होंने किस तरह से मिस बिहेवियर के साथ जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें डील करना है सो पॉजिटिव बिहेवियर स्पोर्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बिहेवियर जो है वो हुआ है तो उसकी रीजंस क्या थी और उन रीजंस को हम अपने इन्वायरमेंट से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाते हैं ताकि दोबारा ऐसा बिहेवियर ना हो

इसके लिए ग्राहम ने हमें फाइव मेजर वेज जो है बताए हैं किसी भी बच्चे के बिहेवियर गोल्स को जो होते हैं उनको कंप्लीश कैसे किया जा सकता है पहला तो ये चीज है कि बच्चा कोशिश करता है कि वो गेन करे सोशल अटेंशन और ये पॉजिटिव सोशल रीइंफोर्समेंट है फिर गेन एक्सेस टू टेंजिबल्स और प्रेफर्ड एक्टिविटीज बच्चे को टेंजिबल और प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ की तरफ टेंजिबल मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस देने चाहिए क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए उसमें ठीक वो इक्वमेंट्स के साथ लर्न टीचिंग एड्स के साथ प्ले करे उसको यूज़ करे और उससे जो है एवीएड्स को यूज़ करे और प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बच्चा भी प्रेफर कर रहा हो ये भी एक मटीरियल और एक्टिविटी री है बच्चे के लिए अब बच्चा जब स्केप ढूंढ रहा है डिले रिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ अवर्जिव टास्क और एक्टिविटीज़ तो ये नेगेटिव री है जो एक्टिविटीज़ बच्चे को पसंद नहीं है बच्चा उससे भागने की ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम पॉइंट ए और बी की तरफ बच्चे को लेकर जाएँ कि हमने ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी सपोर्ट उस और ऐसी अटेंशन उसको देनी है कि उसके लिए वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव ही रहे

applied behavior analysis one of the most frequently used methods of modifying student behavior is applied behavior analysis procedures that follow the work of bf skinner on operant conditioning in addition to the attention paid to the problem behavior the procedure focuses on the incidence of the behavior and consequences following it this is sometimes referred to as the abc approach एंटीसीडेंट्स बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसिसंग सेल्फ हम उस एन्वायरमेंट को ही चेंज कर दें जो कि वजह बन रहा है प्रॉब्लम क्रिएट करने की और हम कंक्लूजनस को ही चेंज कर दें जो कि बच्चा वो प्रॉब्लम देखना चाह रहा है हम उसको ही चेंज कर दें तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा

करना आना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करना आना चाहिए एम्पति होनी चाहिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए सो so ये चीज़ें इन बच्चों में इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे होते हैं इनमें इम्पेयर होती हैं और इन पे काम करने की जरूरत होती है देर हैव देर हैज़ इवन बीन सम सजेशम्प्रूवमेंट इन एकेडेमिक स्किल इंस्ट्रक्शन माइट इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एज वेल एज द सोशल स्किल्स इंस्ट्रक्शन माइट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैज़ बीन द फेलियर ऑफ जनरलाइजेशन That is the student might learn a a skill in in one setting, for example, proper greeting in a classroom, but be unable to generalize it to other settings such as playground. आपने बच्चे को ये तो सिखा दिया है कि उसने हर एक को क्लास में ग्रीट करना है मिलना है अच्छे तरीके से लेकिन हुआ क्या अब बच्चे को generalizing उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है तो इसके नतीजे में ये हुआ कि बच्चा generalize नहीं कर सका एक जगह से दूसरी जगह जाना सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए ठीक है उसको एन्जाइटी अब क्रिएट हो जाएगी कि उसको नहीं पता कि उसने जैसे वो क्लासरूम में मिला था अगर प्ले ग्राउंड में भी कोई नया बच्चा आएगा तो उसने उससे वैसे ही मिलना है किसी और सोशल सेटिंग में जाएगा तो उससे वैसे ही मिलना तो सोशल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों की ग्रेसन हैज़ प्रोपोज अ कंटेक्चुअल अप्रोच टू टीचिंग सोशल स्किल्स डैट वुड टेक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स डेट अकर नेचुरल इन द स्कूल इन्वायरमेंट अप्रोच दे रहे हैं टीचिंग सोशल स्किल्स के लिए कि जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल इन्वायरमेंट से फ़ायदा होना चाहिए स्कूल का जो इन्वायरमेंट है ना वो बच्चे के लिए सिक्योर होना चाहिए और सोशल स्किल्स की जो ट्रेनिंग है जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉर्मल वे में नहीं होनी चाहिए इनफॉर्मल वे में होनी चाहिए कि बच्चे को आप रोल प्ले से एक्ट करके इंगेज करके जो है सिखाने की कोशिश करें बजाय इसके कि सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड सी सेटिंग हो ऐसे नहीं होना चाहिए सो थाउजेंड्स ऑफ बिहेवियरल इंसिडेंट्स अकर इन दीज सेटिंग्स बहुत से बिहेवियरल इंसिडेंट्स होते हैं दिन में पूरे दिन में तो क्या जब सेटिंग सोशल स्किल्स की सेटिंग इनफॉर्मल होगी ना तो बच्चे के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी वरना बच्चे के लिए वही रिस्ट्रिक्टेड सा इन्वायरमेंट होगा जैसे एकेडमिक स्किल्स के लिए होता है सो so, सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या कहा जा सकता है या क्या किया जा सकता है तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है मैनी चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर्स not only engage in non-adaptive behaviors that cause them trouble with their peers and teachers, but also lack positive social skills. Some students may have little opportunity in their neighborhoods or in their families to see positive social skills in use. So one specific goal of a special education program therefore is to enhance the use and practice of socially acceptable behaviors. Theke, socially acceptable behaviors, jo hai wo hona सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स सोशल स्किल्स को डिवेलप करने के लिए जो सबसे यूज़फुल टेक्निक है वो सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप इसे कह सकते हैं कि जो इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं इनको अपने आप को ही मैनेज करने में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होती है और ये जो सेल्फ़ मैनेजमेंट की टेक्निक है ना ये एक पूरी स्ट्रेटजी है अब वर्क ऑफ स्ट्रैटजीज हैं जो कि कॉगनेटिव स्ट्रेटेजी अप्रोच के अंडर यूज किए जा सकती हैं बच्चों के लिए इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाता जा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन आ जाता जा है सेल्फ कंट्रोल आ जाता जा है जो कि बच्चे को ये सिखाते हैं कि उसने सोशल स्किल्स के साथ कॉपअप किस तरह से करना है अपने इन्वायरमेंट के साथ उसे कॉपअप करना सिखाते हैं attraction of self-management technique is that students who successfully apply them assume greater responsibility फॉर their behavior instead of

कौन कौन सी हैं सेल्फ मॉनिटरिंग है सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है और इसके अलावा सेल्फ सेल्फन एवेलुएशन है और सेल्फ री है सो so, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक बच्चों को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए या खुद से सेल्फ वो जो इंटरनलाइजिंग वाला हमने फैक्टर पढ़ा था ना कि बच्चे इंटरनलाइज होते हैं एनजिस होते हैं उसके भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे सो so, यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स जो कि बच्चे को उसकी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित हों उसको इंक्रेज करें उसको अंदर से स्ट्रांग करें ये वो टेक्निक्स हैं तो पहली टेक्निक है सेल्फ मॉनिटरिंग की रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डिटरमिन वेदर अ टारगेट बिहेवियर हैज़ अकर्ड एंड देन रिकॉर्ड इट्स अकरेंस हम स्टूडेंट को ही ये चार्ज दे देते हैं कि उसको ना एक शीट पकड़ा देते हैं जिसमें पॉजिटिव बिहेवियर्स ही लिखे हुए हैं जो कि टीचर उससे एक्सपेक्ट कर रही है ठीक है अब वो हर वो बिहेवियर जो वो करता है जैसे कि क्लास में नाइसली बैठना है अपनी सीट पे बैठना है बार बार उठना ही नहीं है साथ वाले की हेल्प करनी है ठीक तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि वो पूरे दिन में परफॉर्म करता है उसकी एक चेक लिस्ट टीचर ने उसे बना के दे दी है जैसे ही वो बच्चा खुद से कोई बिहेवियर परफॉर्म करेगा उस पर टिक कर देगा जब वो बिहेवियर नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा होगा तो तब भी वो उस पर नेगेटिव रिमार्क्स दे देगा कि हाँ उसने ये बिहेवियर बुरे तरीके से परफॉर्म किया है ठीक इस वजह से उसकी उसको अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग आई कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग एनी सिक्वेंशियल ट्रेनिंग थिंकिंग स्किल्स सचेज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन मैनेजिंग एंगर और रजिस्टिंग पेयर प्रेशर आपने बच्चे को ये ट्रेन करना है कि उसने खुद अपने आप को किस तरह से हैंडल करना है कोई प्रॉब्लम हो गई उसे सॉल्व किस तरह से करना है गुस्सा आ रहा है तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना है अगर कोई पीयर उसे तंग कर रहा है तो उसने कैसे रजिस्ट करना है उसके साथ

सेल्फ री एनफोर्समेंट दिख रिटिंग री एनफोर्समेंट है जो कि बच्चा खुद बहुत ही अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है और उसको ये सिखाना है हमने कि उसने खुद अपने आप को रिवॉर्ड देना है फॉर एग्जाम्पल

Competence and commitment to eliminate negative behaviors and to encourage the acquisition of constructive ones. So, let's come to our RTI model that we have discussed in our earlier lectures regarding. Every kind of disability. How does the RTI model fit into these various attempts to create a plan for behavior adjustment? There are three levels of RTI. The bottom triangle of RTI is concerned with the universal interventions, the school wide behavioral support it should not be assumed that this band is represented by the usual classroom program. instead, there need to be a determined effort to ensure that the regular classroom is a place for healthy social interaction and the presentation of good mental health programming as well as adequate content knowledge. this is not always the case from one school to another. सो so, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना स्कूल वाइड और क्लासरूम वाइड जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इन बच्चों को यहाँ पर कि ये एक यूनिवर्सल सा ग्रुप होना चाहिए सो थ्री लेवल्स ऑफ बिहेवियर सपोर्ट सीम टू बी नैसे गुड स्कूल ऑपरेशन द फर्स्ट ऑफ दीज इज़ यूनिवर्सल बिहेवियर सपोर्ट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स दिस इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्कूल वाइड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज सेटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट बिहेवियर इन सच मैन्यूज एज द कैफिटेरिया हॉलवे बस में आपने रूल्स लगा दी हमें कि यहाँ पर बच्चे ये रूल्स को फॉलो करने के पाबंद हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है तो ये स्कूल वाइड क्लासरूम इससे हुआ क्या है कि जो करते थे और ऑफिस तक शिकायत जाती थी इन चीजों ने उसको कंट्रोल कर लिया है सेकेंड टायर जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है और थर्ड टायर जो है वो प्रिवेंशन है तो सेकेंड टायर जो आर टी आई मॉडल का है फ़ॉर अबाउट फाइव टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्लाय दिटिव बिहवियर सपोर्ट थ्रू स्मॉल ग्रुप वर्क और इंडिविजअल ट्यूटरिंग स्मॉल ग्रुप में आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को या इंडिविजअल ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट उनमें कैसे एंटर करना है सच इंटरवेंशन स्टार्ट एट द अर्एस्ट पॉसिबल मोमेंट टू प्रिवेंट द फ्लावरिंग ऑफ इवन मोर डिफिकल्टिवियर प्रॉब्लम्स तो जैसे ही आपने देखा है कि बच्चा जो है ये डिस्टर्ब करना शुरू हुआ है आप वहीं से उसकी रीज़न फाइंड आउट करना शुरू कर दें इससे पहले कि रीजन मजीद इमर्ज हो और जो थर्ड टायर है आर टी आई का टायर टायर इन्वॉल्व स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन टू सेवन परसेंट विद द मोस्ट सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स टायर थ्री में क्या आ जाता है इमोशनल प्रॉब्लम्स जब बच्चे के सीरियस हो गए हैं और वो स्पेशल एजुकेशन की थोड़ी सी सर्विसेज की हेल्प ले गए या जनरल एजुकेशन क्लासरूम में नहीं चल सका है तो फिर उसको टायर थ्री की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे उसको इंटेंसिव बिहेवियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो उसके जो सीरियस इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके दे आर डेल्ट विद ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विध केयरफुल डिजाइंड आई पीज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट दैट द इन्वायरमेंट एंड बैड पर्सनल इंटरेक्शन हैड ऑन दिज इम्पेयर चिल्ड्रेन ठीक है कि हम इन्वायरमेंट के और बैड परसनल इंटरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बच्चे मजीद इस चीज़ का शिकार ना हों सो सर्विसेज और प्लेसमेंट क्या हो सकती हैं इनके लिए सर्विसेज और प्लेसमेंट ऑप्शन ऐसे ही है जैसे हमने ये आर मॉडल को देखा तो आर मॉडल ही इनकी फुल सर्विसेज को डिफाइन कर रहा होता है कि हम किस तरह की सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स विद इमोशनल और आर डिसऑर्डर अक्रॉस दंटिन्यू ऑफ

अ मेजर चैलेंजिंग चैलेंज ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर इज अरेंजिंग एन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को अरेंज करना है इन्वायरमेंट से सारे एंटीसीडेंट्स को ख़त्म करना है ताकि और सारे कॉन्सिक्वेंसिस को भी खत्म करना है ताकि वो बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर जनरेट ही ना हो सो so, ये इस तरह से एनवायरनमेंट को सेट करना बहुत चैलेंज है इन विच एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स कैन बी लर्न एट एक्सेप्टेबल रेट्स एंड द सेफ्टी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज प्रोटेक्टेड। तमाम बच्चे जो और भी हैं साथ इन्वाल्व उनकी भी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्टर्स ऑफ फुल इंक्लूजन बिलीव डेट द जनरल एजुकेशन क्लासरूम बी मेड इन टू सच विद फॉरबिलिटी इंक्लूजन के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि जनरल एजुकेशन क्लासरूम को ही ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे हैं इनको फुली टीच करने की कोशिश की जा सके इनको पढ़ाया जा सके उसी सेटिंग में बैठते हुए सो so, ट्रांजिशन क्या है one of the unsolved challenges involving the education of students with emotional and behavioral disorders is their poor record of school completion together with limited success in the vocational arena following schools so the office of special education programs reported that only about 40 percent of these students completed their secondary schooling behavior problems. इवन अपना सेकेंडरी स्कूल ही मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं लेबर मार्केट में उनके लिए जगह नहीं होती है अगर होती भी है तो बहुत कम वेजिस पे होती है इसके अलावा उनको लॉ को फॉलो करते हुए मुश्किल होती है कोई एडिशनल ट्रेनिंग उनके पास नहीं होती है इस वजह से वो और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके तलाश ही नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एड्स कैन प्रोवाइड सम्पर दो

लोगों से मिलना कैसे है अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है काम पे है या स्कूल में है या घर में है कोई अप्रोप्रिएट या इन अप्रोप्रिएट टच किसी की तरफ से मिल रहा है तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है गुड स्पोर्ट्स मैनशिप आनी चाहिए और बहुत सी ऐसे सोशल स्किल्स हैं जो कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं तो इसके लिए बोर्ड गेम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल स्ट्रेटेजी है कि बोर्ड गेम्स के, के ज़रिए हम इनको सिखा सकते हैं इन अदर क्लासरूम बिहेवियर गेम स्टूडेंट्स मूव अराउंड द बोर्ड एंड आर एक्सपोज टू टेन स्ट्रेटजीज डेट आर पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एंगर दे इंक्लूड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन ओन एक्शन इनक्रेजिंग सेल्फ कंट्रोल एंडीलिंग विद द एक्टिंग आउट बिहेवियर्स ऑफ अदर्स सो इस तरह से बच्चे जो हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए गुजर सकते हैं अच्छा जी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया एजुकेशनल कंसिडरेशंस को उसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्रोवाइड करके फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस करके सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इन बच्चों को इनकी इन कंडीशन से निकाल सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं इन्वामेंट के तमाम बिहेवियर कोजेस को तमाम ऐसे कोजेस को जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर को जनरेट कर रहे हैं सो so, उसके बाद हमने इनकी ट्रांजिशन देखी है प्लेसमेंट ऑप्शंस देखी हैं और इसके अलावा सिस्टम टेक्नोलॉजी जो इनके लिए इस्तेमाल हो सकती है हमने उसको गो थ्रू किया है सो so, इन सब चीज़ों से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बच्चे जो इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसिस के साथ होते हैं ये मोस्टली हिडन रहते हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है सो so, ऐसे स्ट्रेटजीज टीचर को भी यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि इनके बिहेवियर्स को नेगेटिव बिहेवियर्स को डिस्करेज करें और पॉजिटिव बिहेवियर्स को इनक्रेज करें So this was from my side of today's lecture. Thank you so much. Allah hafiz.